अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज मोहब्बत की निशानी यानी ताजमहल का दीदार करने के लिए आगरा पहुंच रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं ताजमहल के ठीक बाहर और ये है ताजमहल का वीवीआईपी गेट, जिसे पूर्वी गेट भी कहा जाता है। यही वो गेट है जिस गेट से डोनाल्ड ट्रंप ताजमहल को देखने के लिए अंदर दाखिल होंगे। आप देख सकते हैं कि यहां से सीधा रास्ता जो है लेफ्ट होके ताजमहल की तरफ चला जाता है और वहां पर ताजमहल की खूबसूरत झलक जो है देखने को मिलती है। और आज के इस दौरे के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहां पर ताजमहल के मेन गेट के बाहर सीएसएफ के जवान हैं। आपको बता दें कि हर 500 मीटर की दूरी पर यहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की गई है, हर संदिग्ध आदमी से पूछताछ हो रही है। खास तौर से ये भी बता दें कि जो रूट है पूरा एयरपोर्ट से लेकर ताजमहल तक, वहां पर जितने भी होटल हैं, घर हैं, उन लोगों को ये हिदायतें दी गई हैं कि आप अपनी घरों की खिड़कियों से नहीं झांकेंगे जब ट्रंप यहां पर, उनका काफिला यहां से गुजरेगा। तो साफ तौर से ये कह सकते हैं कि ट्रंप के इस दौरे के लिए आगरा को बदल दिया गया है। जो जिस रूट से ट्रंप का काफिला गुजरेगा उसको सजाया गया है, जगह जगह वहां पर भारतीय तिरंगा झंडा नजर आ रहा है, अमेरिका का फ्लैग नजर आ रहा है, ट्रंप और मोदी के पोस्टर जगह जगह पर हैं और वो जगह जो थोड़ी सी ठीक नहीं है उसको हरी जाली से ढक दिया गया ताकि किसी तरह का कोई गलत इंप्रेशन अमेरिकी राष्ट्रपति के आगरा के प्रति ना बने। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पुख्ता इंतजाम है सुरक्षा के, क्योंकि 5 लेयर यहाँ पर एक सुरक्षा का घेरा बनाया गया ताकि परिंदा भी पर यहाँ मार ना सके। कैमरामैन धीरज ठाकुर के साथ रवि ठाकुर, आगरा, न्यूज़ 24।